यकीन ही नहीं होता 2021 क्रिसमस में लॉन्च हुए जेम्स वेब को एक साल से ज्यादा हो चुका है। आपको नहीं लगता ये अलग ही रोशनी में अपने ओवरऑल यूनिवर्स को देख रहा है? मतलब पिलर्स ऑफ क्रिएशन के अनबीटेबल व्यू से एक्सोप्लैनेट के केमिकल कंपोजिशन का पता लगाना और नेब्युलास की अमेजिंग इमेजेस से लेके यूनिवर्स की सबसे दूर की गैलेक्सी ढूंढने तक वेब ने ये प्रूव कर दिया है कि इस पर खर्च किए हुए पैसे और इसके लॉन्च में हुई देरी वेस्ट नहीं गई है। ये ब्रह्मांड का खुलासा ऐसे कर रहा है जैसे पहले कभी किसी ने किया ही नहीं हो। प्लस ये हमारे सोलर सिस्टम के सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स की हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी ले रहा है। जुपिटर, नेपट्यून, मार्स और अब पृथ्वी के बाद सोलर सिस्टम की एक ऐसी जगह जहाँ नदियाँ, महासागर और बादल है, वो है हमारे सैटर्न का सबसे बड़ा मून टाइटन। लेकिन वेब की नई खोजों पे जाने से पहले हमें 2014 में जाना होगा, जब हमें सैटर्न के एक मून पे कुछ मिस्टीरियस और मैजिकल आइलैंड देखने मिला था। लेकिन क्या था वो? वेलकम टू द ज्ञान स्पॉट, और चलिए एक्सप्लोर करते हैं। To the war in Ukraine. The age of the dinosaurs. Wall Street is about to close. Liftoff. We have a liftoff. The Gyan Spot. 1977 में लॉन्च किए गए कसिनी स्पेसक्राफ्ट ने ना सिर्फ सैटर्न और उसके रिंग्स के कॉम्प्लेक्स सिस्टम के चारों ओर उड़ान भरी, बल्कि उसके मून्स को भी और डिटेल में स्टडी किया था। कसिनी ने टाइटन, एनसेलाडस और सैटर्न के बाकी आइसी मून का फ्लाईबाय किया था। लेकिन आज एक ऐसी फाइंडिंग है जो साइंटिस्ट के लिए मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि कसिनी से मिले डेटा को जब एस्ट्रोनॉमर्स एनालाइज कर रहे थे, तब टाइटन के सबसे बड़े ओशन लीगिया मैरे में उन्हें एक चमकदार और मिस्टीरियस जियोलॉजिक ऑब्जेक्ट दिखा, जो वैसे तो जुलाई 2013 के ऑब्जर्वेशन से पहले ली गई इमेजेस में नहीं था। आप मानोगे नहीं, 10 जुलाई को ली गई फोटोज में ये था, लेकिन 26 के बाद ली गई फोटोज में ये था ही नहीं। इनफैक्ट 10 जुलाई के ऑब्जर्वेशन से पहले लीगिया मैरे बस एक स्टैचू की तरह था जिसमें कोई भी वेव्स नहीं थी, इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे मैजिक आइलैंड का नाम दे दिया। और इससे एक बात तो क्लियर है कि जो हमें लग रहा था टाइटन के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लिक्विड चीजें हैं वो नहीं बदलती, वो झूठ है। असल में वो चीजें कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इसलिए ये मैटर यहीं आके अटक गया। साइंटिस्ट को पता नहीं चला कि उस मैजिक आइलैंड के दिखने और गायब होने के पीछे की वजह क्या थी। इसलिए इस बात के तह तक जाने के लिए उन्हें जरूरत थी एक टेलीस्कोप की, जो उसके ओवरऑल गहराई में जाकर उसके एटमॉस्फेयर और केमिकल कंपोजिशन का पता लगा सके। एंड थैंक गॉड आज हमारे पास JWST है। एंड टाइटन एक अजीब दुनिया है, आई मीन कुछ कुछ पृथ्वी जैसा। इसके हरे नीले रंग पृथ्वी की याद दिलाते हैं। यूनिवर्स के हमारे हिस्से में ये इकलौता ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें हम घूमते हुए समंदर और चमकीले बादलों को देख पा रहे हैं। लेकिन टाइटन पृथ्वी की तरह भी नहीं, आप इसे अल्टरनेट रियलिटी अर्थ भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें मौजूद बादल, समंदर, नदियाँ और लेक्स पानी से नहीं बल्कि मीथेन और ईथेन से बनी हुई है। अप्रॉक्सीमेटली अर्थ के ही साइज का इसका एटमॉस्फियर मीथेन और नाइट्रोजन से भरा हुआ है, और ये उस हवा से भी ज़्यादा डेंस है जिसे आज हम ब्रीथ कर रहे हैं। इनफैक्ट इस पे पेट्रोल की बारिश होती है, और जब यहाँ बर्फ गिरती है ना, तब इसकी ज़मीन कॉफ़ी के मैदानों की तरह काली पड़ जाती है। इसकी लेक्स और रिवर्स लिक्विड मीथेन और ईथेन से भरी हुई है, और इसके जमे हुए कीचड़ जैसी पपड़ी के नीचे पानी और अमोनिया का एक ओशन है। ये थोड़ा अजीब है, यहाँ आप हकीकत में किसी तूफान में फंसना नहीं चाहोगे और ना ही गर्मी में ऐसे समंदर के किनारे डुबकी लगाना चाहोगे। हालांकि उसका अनयूजुअल और अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट ही है जो उस मून को और भी ज्यादा स्टडी करने के लिए हमें इंटरेस्ट जगाता है। ऐसे में जब 5 नवंबर को JWST ने रिसर्चर्स को सबसे पहला इमेज भेजा, तब उन्होंने इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बताया। इस इमेज को वेब के प्राइमरी इमेजिंग डिवाइस NIR कैम से कैप्चर किया गया था, जो इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करता है, और इसके मदद से टाइटन के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दो क्लाउड्स का पता चला था। वैसे इस पे क्लाउड्स के दिखने का प्रेडिक्शन काफी समय से किया जा रहा था एंड थैंक्स टू इसके प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस, लेकिन वेब के वजह से अब हमारे पास ठोस प्रूफ है। 5 नवंबर की सुबह जब यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सिटी के एक एस्ट्रोनॉमर सेबेस्टियन रोड्रिगेज ने वेब द्वारा ली गई सैटर्न की सबसे पहली इमेज को डाउनलोड किया, तब उन्होंने उसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक बहुत बड़ा बादल देखा जो लगभग 1000 फीट गहरा था। इनफैक्ट उन्होंने अपनी टीम को एक ईमेल में कहा कि क्या सुबह है आज की, मुझे लगता है हम एक बादल देख रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने डेटा देखा, रिसर्चर्स ने एक नहीं बल्कि दो बादलों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें टाइटन के सबसे बड़े ओशन क्रैकन मैरे पर मौजूद क्लाउड भी इंक्लूडेड है। आज साइंटिस्ट जल्द ही उन क्लाउड्स पर वापस रिसर्च करने का एक तरीका ढूंढने के लिए इंस्पायर्ड है, जिससे ये समझ में आए कि ये वक्त के साथ कैसे बदले, और इसने उनके सामने क्लाइमेट से जुड़ी एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा कर दी है। रिजल्ट, उन्हें ज्यादा डेटा के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर फिर एक टीम हवाई के एक ऑब्जर्वेटरी पहुंची और उन्होंने JWST के ऑब्जर्वेशंस के बाद टाइटन के ऑब्जर्वेशंस को रोक दिया।
कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बार्कले के एक एस्ट्रोनॉमर जो टाइटन के केक ऑब्जर्वेशन को लीड कर रहे थे, उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम परेशान थे कि जब दो दिन बाद हम केक के साथ टाइटन को देखेंगे तब बादल चले जाएंगे, लेकिन थैंकफुली बादल एक ही जगह पर थे, मानो जैसे वो आकार में बदल गए। हालांकि उस अलाइनमेंट का ये मतलब नहीं था कि केक ने वेब की ही तरह बादलों को देखा था। वैज्ञानिकों को हाई क्लाउड एक्टिविटी की उम्मीद थी क्योंकि टाइटन के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देरी से गर्मी महसूस हो रही थी और वो ज्यादा सोलर रेडिएशन पकड़ रहा था। ऐसे में केक के बादल नए सिरे से बने हो सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन का खनन नहीं किया, उन्होंने वेब के NIR कैम द्वारा ली गई इमेजेस में बादलों की पहचान की। एक इतना स्ट्रॉन्ग कैमरा जो लाइट के कई अलग अलग वेवलेंथ में एक टारगेट की इमेज बना सकता है, जो टाइटन के मामले में साइंटिस्ट को लोअर एटमॉस्फेयर को डिफरेंशिएट करने की इजाजत देता है। लेकिन रिसर्चर्स ने NIR कैम के सभी डेटा को इवैल्यूएट करना बंद नहीं किया और दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी काम कर रहा था। ऑब्जर्वेटरी के नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ ने स्पेक्ट्रा जमा किया। बेसिकली ये टेक्निकली रिफ्लेक्टेड लाइट को अलग करती है। स्पेक्ट्रा को वैज्ञानिकों को ये पता लगाने में मदद करनी चाहिए कि लोअर एटमॉस्फेयर में कौन से कंपाउंड मौजूद है, जिसमें मून के साथ पोल पर एक अजीब ब्राइट स्पॉट भी शामिल है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। बयान के मुताबिक वेब मई या फिर जून 2023 में टाइटन पर दोबारा अपनी पैनी नज़र रखने वाला है। इस बार वो अपने मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करने वाला है, जो उस मून के अजीब और हेजी एटमॉस्फेयर के केमिकल कंपोजिशंस के बारे में साइंटिस्ट को और जानकारी देगा। इस आईसी मून पर स्पेसक्राफ्ट विजिटर के बीच खामोशी में टाइटन के ऑब्जर्वेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2004 में नासा का कसीनी मिशन सैटर्न पर पहुंचा और 2017 में स्पेसक्राफ्ट की मौत से पहले ये मोर देन 100 मून से होके गुजरा था। वैसे नासा अब एक नए मिशन पे काम कर रहे हैं नेम्ड ड्रैगनफ्लाई। ये टाइटन के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा और जो उसके हेजी एटमॉस्फेयर में एक ड्रोन को उड़ते हुए तक देख लेगा। ये साइंटिस्ट को कुछ 2 दर्जन अलग अलग जगहों से उसे स्टडी करने में मदद करेगा। ऐसे वक्त में हम जिंदा है यही बहुत बड़ी बात है और हमारा भविष्य भी इसी उम्मीद से भरा हुआ है। 2022 स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक नया एरा था और 2023 शॉकिंग रिजल्ट्स और न्यू डिस्कवरीज से भरा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेब ने पहले ही TRAPPIST-1 स्टार सिस्टम का आकलन कर लिया है और इससे मिला डेटा हमें बताएगा कि अर्थ जैसे प्लैनेट्स में से किसी एक में लाइफ है या नहीं। एक्सोप्लैनेट्स के केमिकल कंपोजिशन को मेजर करने के लिए वेब प्रॉक्सिमा सेंचुरी के ओर भी अपनी नज़र घुमाएगा, जो अर्थ के नज़दीक के स्टार के चारों ओर घूमता है। अपकमिंग ईयर्स में वेब की ओर से बहुत सारी खोज हमें हमारे यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ बताएगी, कॉस्मिक मॉडल की हमारी समझ को नया रूप देगी और एस्ट्रोनॉमी के एक नए युग में ले जाएगी। लिटरली अब इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चलो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग। टू द वॉर इन यूक्रेन, द एज ऑफ द डायनासोर्स, वॉल स्ट्रीट इज अबाउट टू क्लाउड, लिफ्ट ऑफ, वी हैव अ लिफ्ट ऑफ, द ज्ञान स्पॉट।